हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 14 अंक की बढ़त के साथ 38,854 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 15 अंक की बढ़त के साथ 11,464 पर बंद हुआ। आपको दिखाते हैं कि कैसा रहा बाजार का दिन भर का हाल। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन घरेलू बाजार मामूली बढ़त पर बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 0.04% की बढ़त के साथ 14 अंक ऊपर 38,854 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.13% 15 अंकों की बढ़त के साथ 11,464 के स्तर पर बंद हुआ। बड़ी कंपनियों में तेजी के रुख और विदेशी पूंजी के प्रवाह ने बाजार को प्रभावित किया है। इसके अलावा बाजार में तेजी के रुख की एक बड़ी वजह भारत चीन के बीच सीमा विवाद सुलझाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बातचीत में 5 सूत्री रूपरेखा पर सहमति बनाना भी है। दिग्गज शेयरों की बात करें तो आज विप्रो, SBI, टेक महिंद्रा, TCS और हीरो मोटोकॉर्प के शेयर हरे निशान पर बंद हुए। वहीं जी लिमिटेड, इंडसइंड बैंक, पावर ग्रिड, BPCL और भारतीय एयरटेल के शेयर लाल निशान पर बंद हुए। सेक्टोरियल इंडेक्स पर नजर डालें तो आज मीडिया, फाइनेंस सर्विसेज और प्राइवेट बैंक के अतिरिक्त सभी सेक्टर्स हरे निशान पर बंद हुए। इनमें बैंक, ऑटो, FMCG, PSU बैंक, फार्मा, IT और मेटल शामिल हैं। हेलो दोस्तों, चलते चलते ये बता दूं कि पेटीएम का एक नया ऐप आया है, पेटीएम फर्स्ट गेम्स, जिसमें आप घर बैठे गेम खेलकर लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसमें हमारा रेफरल कोड DBLIVE यूज करके आप तत्काल 50 रुपए का बोनस पा सकते हैं। लिंक को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और गेम खेलिए, पैसे कमाइए। देखते रहिए DBLIVE।